атомной и углеводородной энергетики, в области высоких технологий и космоса. Трудно переоценить ваш вклад в формирование устойчивой основы российско-индийского сотрудничества на международной арене, где обе наши страны настаивают принципы partnership between the Republic of India and the Russian Federation and the friendly ties between the people of India and Russia. The Order of St. Andrew the Apostle, the first called, is being awarded to His Excellency Narendra Damodar Das Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic of India. योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का है। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग ढाई दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। आप दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप पर आधारित पारस्परिक सहयोग हमारे लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद भी बन रहा है, गारंटी भी बन रहा है। आज की चर्चाओं में भी हमने सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए नए और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका, रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्पासिबा। Heard upon prominent Russian statesmen and public figures as well as the leaders of foreign nations for their outstanding service. It gives me particularly pleasure to present this honorary award here at the Kremlin setting that befits the order and its statute. Награждение вас орденом святого апостола Андрея Первозванного отражает ее признательность российской стороны за тот значимый вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и взаимовду нашими государствами и народами. Вы всегда активно выступаете в контактах с нашей страной. И еще